हाय गाइस, वेलकम टू द भाई सानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम और मेरा नाम है वजह। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इश्क मूवी के एपिक कॉमेडी सीन्स के कंपाइलेशन पर। तो भाई साहब, बहुत ही डिमांड आई थी कि भाई इसके कई इश्क मूवी के कॉमेडी सीन लेकर आओ। देखते हैं कि कैसे होने वाले हैं। कड़ान करते स्टार्ट। ये पहला पन्ना प्रॉपर्टी का, ये दूसरा पन्ना प्रॉपर्टी का, और अब ये तीसरा पन्ना मैरिज सर्टिफिकेट का। अच्छा। और अब देख मेरा कमाल। अरे ये क्या कर रहा है? अरे डैडी, आप तो ऐसे डर गए जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं क्यों चोरी करूं? अरे खानदानी रईस हूं मैं, कपड़े झटकूंगा तो लाखों निकल आएंगे। खैर छोड़ी इन बातों को, इन पेपर्स पर साइन कर। ये क्या है? ये क्या है? नए प्लॉट्स खरीदे हैं तेरे लिए, साइन कर। वाह डैडी, बाप हो तो आप जैसा। पेन ला। ठहरो, ये कहीं साइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैं इसका बाप हूँ। अरे बाप हो या बाप का बाप, याद है मेरी बहन ने मरते वक्त क्या कहा था? अरे क्या कहा था रे? कोई भी पेपर में बगैर पढ़े साइन नहीं करना बेटे, पढ़। यू आर राइट मामा जी। दूसरा पन्ना पढ़। मिस्टर विजय कुमार, अ फर्म कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ। हाय। अरे हाय वाय छोड़ यार, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। हाँ एक मिनट, आया। डैडी साइन बताइए, कहाँ साइन करना है? यहाँ बेटे, पढ़े बिना साइन मत करना। अरे मामा, डैडी ने जो एग्रीमेंट बनाया सही बनाया होगा ना? अरे तू नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा। अरे मामा बस भी करो। आप लोग ये लो। I don't like this. Oh ho, but I like this. अरबो, देख लिया? ले लिया ना मैंने अपने बेटे के दस्तखत। इसको क्या हो गया? तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? मैं सोच रहा हूँ रंजीते, क्यों ना मैं भी इन्हीं कागजात पर अपनी बेटी के दस्तखत ले लूं? फिर से कहना। मैंने कहा क्यों ना मैं भी इन्हीं कागजात पर अपनी बेटी के दस्तखत ले लूं? अरबो, ऊपर से तेरी खोपड़ी भले ही बंजर हो, अंदर हरियाली है हरियाली। अरे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहा है, गले लग जा। लेकिन एक बात बता, तू अपनी बेटी के दस्तखत यहाँ लेगा कैसे? तू मेरी बेटी को नहीं जानता रंजीते। अच्छा। गाय है गाय। आज के तेज रफ्तार जमाने में भी चीटी की चाल चलती है। अच्छा, चीटी की शादी। हाय। अरे तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे तेरी जान निकल जाती तो क्या मेरे अंदर जान रह जाती? A very happy birthday to my girlfriend. Thank you. काजल, पम पम। Thank you. अब ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सोचा मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। तू शॉपिंग करेगी या मुझे शॉपिंग करवाएगी? अरे बात तो एक ही है ना यार, चल ना। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे एक शर्ट वापस करनी है। तू यहीं ठहर, मैं अभी गाड़ी से लेकर आती हूँ। जस्ट अ मिनट। गाड़ी में सूरदास की औलाद, बाहर निकल ऐसे, कम आउट। I'm sorry. क्या? यहाँ मेरी हेडलाइट तोड़ दी, बॉस बेचारे के अंडे फोड़ दिए, नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है। जाने देना मधु, बेचारा शरीफ लगता है। शरीफ कहाँ से? शक्ल से तो ये लोफर लग रहा है, लोफर। ए फूलन देवी, क्या है? जबान को लगाम दे, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। अजय पैसे निकाल। साला ए मुर्गी चोर, तेरे अंडे का कितना हुआ? 500, सिर्फ 500। ये ले पकड़। और तेरे अंडे का क्या? अरे तेरे गाड़ी का अंडा, हेडलाइट। 500। ये ले पकड़। 1000। 1000? ये 500 एक्स्ट्रा किस लिए? अभी बताता हूँ। इसलिए चला जाए। एक मिनट, क्या क्या हुआ? ये लो 5000 रुपए। ये किस लिए? अभी बताती हूँ। इसलिए। लेकिन ये तो 4000 का है। हाँ, बाकी 1000 टिप, समझे मेरे लल्लू लाल? चल काजल। अबे तेरी तो। अरे, 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 अरे,
छोड़ ना यार, लड़की है। अबे लड़की है तो क्या हुआ, साला एक तो टिप देती है, ऊपर से लल्लू लाल बोलती है। अरे तुमको किलो ना खेलने के लिए नहीं दिया है, बेचने के लिए दिया है, समझी? सॉरी सर। क्या कर रहा है तुम, क्या कर रहा है तुम? 5 लाख का मार्बल सज्जू को सवा पैसे का चिंदी से साफ करता है। तुमको मालूम है आज इसको देखने को कौन आ रहा है? कौन? आगरा के नाडी डिंडा डिंडी नवाब साहब चंगेजी। सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, मैं आपको साफ करता हूँ। पुतला बोला। अरे एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ। ओ पुतली भाई, यस पुतली भाई, आई मीन मैडम। बाबा जी आपके पास से लिया, ये शर्ट डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। व्हाट इम्पॉसिबल? ये देखिए इसमें छेद है, दिखा? नहीं दिखा। नहीं दिखा? नहीं दिखा। अभी दिखाती हूँ। अभी दिखा। सुलेमान, सुलेमान, मैडम को 5-6 शर्ट दिखाओ, नहीं तो वो मेरी भी पैंट फाड़ देगी। मैडम आप वो काउंटर पे जाओ, वो आपको शर्ट दिखाएगा। हाँ, सोराब, सोराब। चलना यार, अब मुंह ठीक। अच्छा मैं तेरी वजह से चुप हो गया, वरना उस छिपकली को तो मैं कॉकरोच बना के छोड़। अच्छा बाबा अब ठीक है यार। मुझे लल्लू बोलती है, राजा तू अपने लिए शर्ट खरीद, तब तक मैं अपने लिए लड़की देख आता हूँ। अब मेरा मतलब मैं झूठे देख कर आता हूँ यार। अबे पैंट क्या दिखा रहे, शर्ट दिखा यार। आइए आइए नवाब नादी दिन ना दिन चंगेजी, आइए जरा पुतले पे नजर डालिए। और इसमें तो पुतले के सामने पुतला माफी क्या कर रहा है, चल भागी से हट। नवाब साहब आपके लिए तलाशा हुआ पुतला। तो सही अच्छी जी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है बच्चा नवाब। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचे से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं। इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुकुम करें तो 1.5 डजन और बना लूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा ना बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा ना बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। हाथ कटेंगे? अलादीन, हुकुम आलम बना, हम जा रहे हैं, तुम फारसी के दोनों हाथ लेकर आगरे पहुंचो। अरे मोबाइल कभी यूज करूंगा, चलो नी 100। हेलो खड़ा पासी पुलिस स्टेशन। ओ यार मजा आ गया। अबे यार ये क्या सीन था, वो क्या सीन था, वो एक से बढ़कर एक ही सीन। वो गाड़ी में वजान उसको कहता है आपके अंडों का 500, अखे तुम्हारी हेडलाइट का 500, अखे ये 1000 पकड़ो जो चलो। बोलती है वो किस लिए, कहता वो इसलिए दूसरी हेडलाइट भी तोड़ देता। भाई फिर भाई साहब वो कहती है पकड़ 5000, कहता 5000 किस लिए, रुक कर पत्थर उठा के सीधा सी, कहता एक ये तो 4000 का, वो कहते 1000 टेटा मेरा लल्लू लाल। ₹1000 पूरी टेप दी वही ना। और भाई साहब और वो जो शुरू में वो क्या जाली साइन करवा लेते हैं, जाली कोई मैरिज के कोई कुछ है पेपर्स उन पे साइन। जानी कहता है इसको पढ़ ले पढ़ ले, उसको उसका पिता को कहता
यार लेकिन वो आमिर खान आ जाता है तो उस वजह से वो साइन कर और देता वो भाई साहब गंजा जाता है, कहता है मैं सोचूं मैं अपनी बेटी की भी साइन इस पे ले लूं। वो भाई साहब कहता है तेरी खोपड़ी तो खाली है लेकिन तेरे अंदर हरियाली है। ओ भाई और सबसे ज्यादा मार्केट वाला वो शॉपिंग मॉल वाला अजय भाई को तो जहाँ नजर आती वही नजरें फंसा ले। और भाई साहब जो स्टैचू भाई उसका स्टैचू का पिछवाड़ा आगे और भाई अगले वाला धड़ पीछे और नवाब को देख खुश कितना हो रहा है, क्या कारीगरी है, ऐसे तो खुदा की कुदरत को ही बदल डाला। यानी आगे वाला हिस्सा पीछे और पीछे वाला हिस्सा आके कहता है ये किसने बनाया है, कहता हमने बनाया क्या और बनाऊं, यही तो हम चाहते हैं, शाहजहां ने भी जब वो मकबरा बनाया था तो उसने हाथ कटवा दिए थे, तो हम भी चाहते कोई ना बनाया है, अपने उसके दरबारी को बोलता इसके हाथ काट दो, ले फिर वहां हाथ काट दे, क्योंकि नवाब को वो मुजस्मा पसंद आ गया ना। तो भाई आप मजा आ गया सीन के बारे में इतनी बुरा तुम करते तो बाय।